सो गाइस लेकर आ चुका हूँ एक खिलाड़ी और एक अनाड़ी की वाकई में एक्शन और कॉमेडी से भरी हुई स्टोरी। खिलाड़ी अनाड़ी स्टोरी वाकई में कमाल की है, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए पिछले गिवअवे का पेमेंट प्रूफ, क्योंकि बहुत से बंदे गिवअवे को फेक बता रहे थे। देखो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो आपके लिए है तो गिवअवे भी आपका ही है। इस वीडियो में भी आप लोग के लिए पूरे 3 गिवअवे, गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना गिवअवे अटैच कर दीजिएगा। अबे साले सीधे सीधे बता दे, कहाँ रखा है तुम लोगों ने वो बॉम्ब? नहीं बताऊंगा। सही बोल रहा है सर, ये साला कमीना हम लोग को ऐसे नहीं बताएगा। मुझे लगता है उसे बुलाना होगा सर। कि किसे सर? उस दरिंदे को? हाँ उसी को, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? वही जिसको लोग खिलाड़ी बोल के बुलाते हैं, पर हकीकत में वो अंत है तुम जैसे लोगों का। मार्केट हमें खिलाड़ी की जरूरत है, बहुत जरूरी काम है, बदले में अच्छा पैसा देंगे हम। ठीक है एजेंट, समझ लो खिलाड़ी आ जाएगा तुम्हारे ऑफिस। अभी इस कहानी का असली नमूना तो बाकी है, और इसके इंट्रोडक्शन के लिए पप्पू नाम ही काफी है। अरे बाप रे, एक तो हमारा नवा नवा गाड़ी, देख के दिल कहता है कह दे दो तीन सारी। अबे मैया रे, डूब गए। अबे तुम देख के गाड़ी नहीं चला सकते क्या? कहा बोले, पर हमारी गाड़ी तो खड़ी थी ना बरखुदार। खड़ी थी तो बीच में कह के लिए खड़ा कर दिए, साइड में खड़ा करना था ना, तुम्हारी गलती थी। साइड की क्या बात है बरखुदार, हम खुद ही रोड से नीचे खड़े थे, तुम खुद ही लेन से नीचे उतर के ठोक दिए। ऐसा हुआ था का? तब तो हमारी गलती है। कहो बुढ़ाओ कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? नुकसान का क्या बताए तुमको, नवा गाड़ी था। और हाँ बुढ़ाओ नहीं है हम, बच्चे समझ के सिर्फ 10,000 मांगते हैं, लाओ दो। 10,000? माँ कसम तुम तो सच में बच्चा समझ लिए बे, ये खटारा का थोड़ी 10,000 देंगे हम। खटारा? हमारी नवा गाड़ी है। ठीक है कम से कम 5,000 दे दो। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी पैसे की कमी नहीं है अपने पास, कहीं 2-3 हजार के चक्कर में तुम निपट गए तो साला हमारा बंटा धर हो जाएगा। ये लो बुढ़ाई, हमने ट्रांसफर कर दिया है पैसा, अब निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, और वैसे भी अब यहाँ रुकना कौन चाहता है। और एक बात बताए, एक नंबर के अंधेरे हो तुम। अबे कहाँ बोले बे? कुछ नहीं, बोल रहे थे टाटा। पैसा मिल गया तो टाटा, गजब तेज हो बराता। वैसे हेलो मैडम, पहचाने क्या कौन? नहीं तो मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप? ओह तो नहीं जानते, कोई बात नहीं मैडम, मैं बताऊंगा, थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा ठीक है, अगर टाइम चाहिए तो मुझे मेरे कॉलेज तक छोड़ दो, मेरे तो उतना ही बहुत है। ओह मैडम यही तो मैं कह रहा था कि मेरे कुछ तो अधूरा रह रहा था, चलिए हमारी गाड़ी में छोड़ देते हैं। हाँ थैंक यू, वैसे सच कहूँ ना तो आप बहुत अच्छे हैं। हैं? ये बात तो मेरे को भी पता है मैडम। अबे ये तो लड़के ले गया, साला मनोरंजन ही खत्म हो गया। चलो बे चलो अपना काम करो। क्या बात है एजेंट, इतना वक्त हो गया और वो अभी तक आया क्यों नहीं? खिलाड़ी समय का पक्का है सर, आप फिक्र मत कीजिए, वो जरूर समय पे आ जाएगा। और लीजिए सर वो आ गया। इसके सवालों का कोई जवाब ना दे, इतना किसी में दम नहीं, असलियत में ना सही, पर ये खिलाड़ी वो जो किसी से कम नहीं। आइए सर, एक बॉम्बर है, साला कमीना मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन हमें उसके बॉम्ब का पता करना है सर। कहाँ है वो? अंदर ही है सर, आइए। ये रहा सर वो, साले ने एक बहुत बड़ा बॉम्ब प्लान किया है, पर लोकेशन हमें बताने को तैयार नहीं। कौन है बे तू? एक बात ठीक से सुन ले, तू मुझसे कितना भी पूछ ले मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने बॉम्ब कहाँ रखा है। ऐसा तुझे लगता है या फिर मुझे बता रहा है? तेरे आंखों से एक बात तो साफ है, तू कुछ और भी छुपा रहा है। के क्या मतलब सर, ये और क्या छुपा रहे हैं हमसे? वो तो कुछ भी हो सकता है, सच या फिर कोई एक और बॉम्ब। तुझे कैसे पता? बताता हूँ, तुम और तुम्हारे लोगों को लेकर बाहर जाओ, मुझे लगता है ये और भी कुछ बताना चाहता है। ओके कम ऑन बॉस, लीव हिम अलोन। अबे देख तू जो कोई भी है, तू गलत फहमी में है कि मैं कुछ बताऊंगा तुझे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। देख फालतू बात नहीं करूंगा मैं, काफी देर से है तू यहाँ और इतनी बातें तुझे समझ आ गई होगी कि ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। ठीक कहा तूने, कहाँ हूँ मैं? बढ़िया सवाल, ये एक प्राइवेट सेक्टर है और जो लोग तुझे यहाँ लेकर आए हैं वो यहाँ आने वाले लोगों का बायोडाटा मिटा देते हैं। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे पास एक मशीन है जिससे मरे हुए लोगों का दिमाग पढ़ा जा सकता है, आगे तू समझदार है। तो क्या तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुझसे इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, लेकिन हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस इन्फॉर्मेशन को देते वक्त तू जिंदा है या मरा हुआ। कि क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मार, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बम क्लॉक टावर और एक बम पोचिंग हाउस में लगाया है, वो शाम के टाइम पे फटेगा 5 बजे। गुड,
इतना इन्फॉर्मेशन काफी है ना? हाँ सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। तो जाओ, जाके बॉम्ब डिफ्यूज करवाओ और पैसा मार्केन तक पहुँचवाओ। हो जाएगा सर, बस एक बात बता दीजिए, क्या आपके पास सच में कोई ऐसी मशीन है? मशीन होती तो सच में अजमा चुका होता, ये नाम उराद जिंदा थोड़ी होता। इसका मतलब आपने इससे झूठ बोल के सच उगलवा लिया सर? हाँ, क्योंकि चोर के घर में चोरी और झूठे से झूठ बोलना ही नियति होता है एजेंट। बिल्कुल सही सर, आपने ठीक कहा, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे सर। आभार नहीं, समझदारी रखो, होशियार से होशियारी नको। क्या हुआ गणपत, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो? इन अलायक पप्पू कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिया है हमको। वो मालिक पप्पू भैया रिपेयर सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। का? वो अभी तक वहाँ से नहीं आया? हमको तो डर है साला बुढ़वा कहीं पैसा ना उड़ा दे हमारा। एक काम करो, तुम ही गाड़ी को चल के देखो। ए, बापरे। एक बार आ जाने दो पप्पू को, आज तो छोड़ेंगे नहीं उसे। डैडी, डैडी आ गए हम। डैडी, सुबह से कहाँ था तू नालायक, और ये नंगा पुंगा क्यों घूम रहा है? अब आपको कहा बता डैडी, यूं तो हम एक लड़की का मदद करने के लिए गए थे, पर वो लड़की मदद के लायक ना थी डैडी। अरे बेबी, तुमने यह गाड़ी क्यों रुकवा ली? यहाँ तो कोई कॉलेज ही ना है। हाँ, कॉलेज तो नहीं है, पर मेरा काम तो यही होगा। किस काम की बात कर रही हो बेबी? बताती हूँ, पर पहले तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। क्या है बेबी? बंदूक। अब तुम बिल्कुल चुप। ठीक है बेबी। जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब कुछ मुझे दे दो। ओके बेबी। ये क्या, छी? भगवान कसम, हम उसको सब कुछ दे दिया डैडी, फिर भी हमको छी बोलती। अबे बेशरम, तो नंगा होने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ऐसी बात थी क्या डैडी? अगली बार से ध्यान रखेंगे। हैं, बहुत दिमाग का आदमी। बाइक कहाँ है तेरी? बाइक वो तो हम उसी को दे दिए डैडी, अब हम चड्डी पहन के बाइक लेके आते, अच्छा थोड़ी ना लगता है डैडी। अबे नालायक, कितनी महंगी गाड़ी थी वो, पता नहीं मेरी किस गलती की सजा है तू, आज तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। आप ना हमसे ना टकराओ डैडी, वरना आपके चड्डियों में कर देंगे छेदी। हैं, इतना मतलब मेरी चड्डी में छेद तू ही करता है? पागल मुंडे, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, भगवान जाने कैसा बच्चा पैदा हो गया मेरे घर। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, लव यू जाने मन, बाइक के साथ मुझे भी ले चलो। चुप कमीने। बोल जिमी, क्या काम है? मुझे खिलाड़ी की जरूरत है मार्केट, एक आदमी ने हमारा कोड बदल दिया है। आदमी तो पकड़ा गया, पर साला पासवर्ड बताने के लिए तैयार नहीं। खिलाड़ी को भेज, पैसा मुंह मांगा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तू लोकेशन भेज। अरे भैया, थोड़ा हमारा गाड़ी देखो जरा, ये अपने आप बंद चालू हो रहा है। अरे बिल्कुल ठीक जगह आए हो, फिक्र मत करो, हम अभी देख लेते हैं तुम्हारी गाड़ी। ये हमको बहुत प्यारी है भैया, प्लीज थोड़ा जल्दी बना दो। हाँ हाँ जरूर, समझते हैं हम, वैसे इसके इंजन में समस्या है, आपको ये गाड़ी कम से कम 2-3 घंटा के लिए छोड़ना पड़ेगा। 2-3 घंटा? 10-15 मिनट की बात होती तो बैठ भी जाते। ठीक है, आप बनवा दीजिए और ये गाड़ी को हैंगर में बंगला नंबर 66 पे छोड़ दीजिएगा। हैंगर बंगला नंबर 66? ठीक है छोड़वा देंगे, वैसे भी हम ही हैं ये गैरेज के असली मालिक, ये दोनों तो वर्कर हैं। अच्छा ठीक है भैया, छुड़वा दीजिएगा। हाँ तो मालिक पप्पू, याद आ गया तुमको तुम्हारा गैरेज, अब चुपचाप बैठ के ये गाड़ी को गज्जू के साथ बनाओ और जाके छोड़ के आओ। छोड़ तो हम देंगे डियर डैडी, पर बनाने का काम हमसे ना होगा। यू फिर भग गया। ठीक है गज्जू, तुम बना दो, पर छोड़ने तो यही कम भग जाएगा। तुम्हारे लिए काम है खिलाड़ी। बोलो। जिमी के साथ किसी ने बगावत की है, उसे कोड चाहिए, कोड आदमी को पता है, अगर तुम कोड निकलवा लोगे उस आदमी से तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। पर शायद मुझे अभी आराम की जरूरत है मार्केट। लगता है तुमने ठीक से नहीं सुना खिलाड़ी, मुंह मांगी कीमत, एक ही बार में काम बन जाएगा तुम्हारा। अगर ऐसा है तो ठीक है मार्केट, पर कोई पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को। उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है खिलाड़ी, बस तुम्हें पहुंचना है बंगला नंबर 65 हैंगर। क्या हुआ बेबे, कोनो प्रॉब्लम है का? हाँ पप्पू, हम दोनों के लिए अब्बा नहीं ना मानेंगे। धत पागल, मनाने से ना मानेंगे। एंड व्हाई आर यू फियर, योर पप्पू इज हियर। ओ पप्पू, यू आर सो स्वीट। आई नो डैड बेबी, वैसे वेट, हम अब भी जाते हैं और डैडी से पैसे लेके आते हैं। गाड़ी का काम तो पूरा हुआ, अब बस इसे छोड़ना बाकी है। डैडी, असे पॉकेट मनी चाहिए जी। पर बेटा जी, पॉकेट मनी के लिए काम करना पड़ता है, तू जा पहले गाड़ी छोड़ के आ। गाड़ी छोड़ गया? ठीक है जी, असे गड्डी छोड़ने जाएंगे, पर आके तुसी पॉकेट मनी निकलाएंगे। ठीक है, ले लेना कम बकत, अब जाकर तू गाड़ी छोड़ के आ,
बंगला नंबर 66 हैंगर, गलती मत करना। की गल कर रहे हो दड्डी, असि कभी गलती करते हैं जी। गलती गलती के साथ तो मुंडे तेरा रिश्ता पुराना है, जितने कोई नहीं जाता उतने जाके भी तेनू गलती ही फैलाना है। अबे एका ये तो गड़बड़ है रे बाबा, इधर दो घर एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसमें जाऊं कि इसमें, ये तो विचित्र समस्या है। मैं तो फंस गया रे बाबा, एक तो प्रेशर भी लग रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, बंगला नंबर 66 हो, हाँ ये वाला है, इसमें जाऊंगा मैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओहो, लगता है बॉस वो एजेंट आ गया, बड़ा डिसेंट कपड़ा पहना है। आओ नहीं तो का, हमारा डिसेंट स्टाइल है, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि टॉयलेट कहाँ है। ई का बॉस, इसको काम के लिए बुलाए हो या हगने के लिए? साला आते टट्टी खोली खोज रहा है। ओहो, तो यह है जन्नत, सुबह 5 ठुक पराठा खाए हैं, कम से कम 5 पाव तो निकालेंगे। ये सब क्या है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, इसी काम के लिए हो क्या? अरे आप ही के काम से आए हैं, पर प्रेशर पे कोनो कंट्रोल थोड़ी ना है। ठीक है, जल्दी करो, मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है, वैसे टॉयलेट अच्छा है आपका, यहाँ ज्यादा बदबू नहीं आता ना? इन सब बातों के लिए समय नहीं है मेरे पास, तुम अपना काम पूरा करो फिर हमारा काम करो। अच्छा ठीक है। ये किसको बुला लिए हो बॉस, इस साला सारा विस्फोट टट्टी खोली में ही करेगा का? चुप करो, उसकी जरूरत है हमें। अरे लगता है तुम लोग परेशान हो गए भाया, कोई नहीं, लाओ हमारा पैसा दो, हम चलते हैं। क्या बात कर रहे हो एजेंट, पहले हमारा काम तो पूरा कर दो, उसके बाद पैसे ले लेना। चलो उससे कोड निकलवा कर दो हमें। कोड? पर का कोड, हम तो खुद ही अपने बाप का कोड पहन के आए हैं। तुम ज्यादा बनो मत खिलाड़ी, मैंने कहा ना मुंह मांगी कीमत दूंगा, काम पूरा करो वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। अबे पागल होगा, ये क्या फंसा रहे हो हमको? हाँ, हमें किसी भी हाल में उससे कोड निकलवा कर दो खिलाड़ी, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर जिंदगी का सवाल है तो चलो हम चल के करके देखते हैं थोड़ा कोशिश। बहुत बढ़िया, ये है सीरो जिससे खिलाड़ी तुम्हें कोड निकलवाना है, और सीरो ये है खिलाड़ी, ये तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारेगा। हाँ हाँ, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, तुमको घर के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ से 10 बार नीचे फेंकेंगे, क्यों ठीक रहेगा? तुम चाहे कुछ भी कर लो खिलाड़ी, पर मैं तुम्हें वो कोड्स किसी हाल में नहीं बताऊंगा। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें पागल कुत्तों के बीच में छोड़ दूंगा। कुत्ते? हाँ, वो तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे। नोच नोच के? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कोड। क्या बात है खिलाड़ी, अद्भुत, तूने तो इसका मन पढ़ लिया, इतनी आसानी से कोड निकलवा लिए। हाँ वो का है ना सर, हम बचपन से बहुत ही टैलेंटेड हैं, हमको ना ये काम का पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हम बस जा रहे हैं सर। ठीक है चले जाओ, हम पैसों की बात मार्केट से कर लेंगे। अरे बाप रे, आज तो बड़े मुश्किल से बचे हम। डैडी एक मिनट, ये सब का है, पुलिस का कर लिए या? देखो भागने की कोशिश ही मत करना खिलाड़ी, अगर तुम भागोगे नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं। बस थोड़ा और इंतजार कर ले जिमी, खिलाड़ी आता ही होगा। आता होगा का क्या मतलब मार्किन, वो तो आकर चला भी गया, एक मिनट में उसने कोड उगलवा लिया, क्या कमाल का आदमी था। आकर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, खिलाड़ी वहाँ नहीं पहुँचा है, तू उसे पकड़ जिमी। क्या, ठीक है मैं पकड़ता हूँ उसे। माँ कसम सर, हम सच कह रहे हैं, हम कोई खिलाड़ी नहीं है, हम किसी खिलाड़ी तक को नहीं जानते। सर ये खिलाड़ी हो न हो पर वो पक्का जिमी है, अगर वो हमारे हाथ लग गया तो मेडल मिल जाएगा सर। हाँ हाँ, उसका नाम जिमी है, हमने देखा उसकी टट्टी खोली में लिखा है। ये सब क्या तमाशा चल रहा है मार्केट यहाँ? तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है एजेंट, क्योंकि तुम्हारे जगह कोई और जा चुका था वहाँ, उसने भी काम पूरा कर दिया, पैसे हमें मिल चुके हैं, अब तुम निकलो वहाँ से। बात पैसों की नहीं है मार्केट, बात है नेम वैल्यू की, ऐसे कैसे कोई मेरा जगह ले सकता है। फायरिंग रोक दो इंस्पेक्टर्स, अब वो लोग बाकी नहीं रहे। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर्स, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और इस लड़के को हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। अब वक्त आ रहा है इस कहानी का एक नए ओर में मुड़ने का, कुछ नए कहानियों से जुड़ने का। अरे सर समझने की कोशिश कीजिए, उन पुलिस वालों को भी पता पता कि थक गया मैं, मेरा नाम पप्पू है, कोई खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। हमें पता है कि तुम कोई खिलाड़ी नहीं हो, तुम्हारा नाम विनोद सिंह चड्ढा है। हाँ हाँ, विनोद सिंह चड्ढा और पप्पू। ठीक है पप्पू, पर इस वक्त मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वक्त हमें और हमारे बर्मुड़ा को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा
पर मैं ही क्यों? देखो पप्पू, हमारे बरमुडा का एक लॉकर पॉर्गेट्री में भी है, लेकिन उसका कोड कुछ लोगों में रिवील हो गया है, इसलिए हमें वो कोड और उन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पर हमसे ये सब नहीं होगा। हाँ, वो तुमसे क्या, हम में से किसी से भी नहीं होगा। पर एक रास्ता है, पॉर्गेट्री सरकार ने खिलाड़ी की डिमांड की है और खिलाड़ी हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा। हाँ, तो कल शाम को जिमी के घर में जो हुआ उसके बाद पूरी दुनिया ने मान लिया है कि तुम ही खिलाड़ी हो। अब अगर तुम पॉर्गेट्री जाओगे तो बदले में हमारे कोड और वो लोग हमें मिल जाएंगे। अच्छा, पर आज तो मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और मैंने उसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, उसका क्या होगा? उसकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें, उसके लिए हमारा एक खास आदमी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा 24 घंटे। ये रहा वो, इसका नाम है के। के? ये चिकला लौंडा ना, इसके साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन के हमारा एक काबिल ऑफिसर है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखेगा। मैं खूब जानता हूँ ऐसे चिकने लौंडों को, पहले मीटिंग में ही दूसरों की गर्लफ्रेंड को पटा लेते हैं। इसके साथ नहीं, अगर जाना है तो इस कलवे को भेजो। पर के इन मामलों में बेहतर है और वो ज्यादा समझदार है। वो सब मैं नहीं जानता, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ तो इस बिलवा को भेजो मेरी गर्लफ्रेंड के पास, अगर ये चिकना लौंडा गया तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है पप्पू, वो सब के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें पॉर्गेट्री निकलना होगा क्योंकि वहाँ खिलाड़ी के साथ एक जरूरी मीटिंग है, इसका नाम है एजेंट एच, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ सर, और मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, अगर हम अभी निकलते हैं तो टाइम पे पहुँच जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, अब जब हमारे देश का सवाल है तो फिर मैं तैयार हूँ। सोचने वाली बात है, इसे क्यों बकरा बनाया जा रहा है, जब असली खिलाड़ी मौजूद है तो फिर एक अनाड़ी को क्यों ले जाया जा रहा है। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है पप्पू, क्योंकि एक सिर्फ तुम ही हो जिसके बदले हमें कोड और वो लोग मिल सकते हैं। ठीक है सर, समझ गया, आगे की बात मीटिंग के बाद। क्यों पप्पू का पॉर्गेट्री जाना जरूरी है, क्यों खिलाड़ी की कुछ बातें बुरी हैं, इन सभी सवाल का जवाब आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन बस इतना बताना कि ये स्टोरी आपको कितनी समझ आई और कैसी लगी। स्टोरी में गिव अवे है, इसलिए एक बार कमेंट जरूर से करना और साथ अपना गाड़ी अटैच कर देना। फिर मिलेंगे न्यू पार्ट के साथ। स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो।